नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के पार्ट 3 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने नए नए हैं उन्होंने मेरा पार्ट 1 भी देखिएगा। इसमें हम देख रहे हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो भी प्लांट्स के हैं उनका केमिकल टेस्ट देख रहे हैं। सो पार्ट 1 में हमने केमिकल टेस्ट फॉर अल्कलॉइड्स पढ़ा, पार्ट 2 में हमने केमिकल टेस्ट फॉर ग्लाइकोसाइड्स पढ़ा, और अभी पार्ट 3 में हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल टेस्ट फॉर टैनिन्स। तो देखिए दोस्तों, ये टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको वाइवा में, जीपैट में, नाइपर में और सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, फार्मासिस्ट हो या कोई भी इंडस्ट्री में इंटरव्यू में, आपको ये काफ़ी मेरे नोट्स से मदद मिलेगी। तो मेरे नोट्स को आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने फार्मा कलीग्स में, ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। केमिकल टेस्ट फॉर टैनिन्स जो है, देखते हैं इसमें टैनिन्स में भी जो पहली टेस्ट है वो हम करते हैं फेरिक क्लोराइड के साथ में। टेस्ट होता है ये फेरिक क्लोराइड के साथ में। जैसे टैनिन्स के 2 टाइप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स होते हैं, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स होते हैं यहाँ पर। और सेकंड होते हैं कंडेंस्ड, कंडेंस्ड टैनिन्स होते हैं। जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स होते हैं ये फेरिक क्लोराइड के साथ में ब्लूइश कलर देते हैं, और ये जो है वो फेरिक क्लोराइड के साथ में ग्रीनिश कलर देते हैं, ग्रीनिश और ब्लूइश, सॉरी। ये हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स होता है, ये हमारा ये FeCl3 टेस्ट है। ये हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स जो है वो फेरिक क्लोराइड के साथ में ब्लूइश कलर देगा, और कंडेंस्ड टैनिन्स फेरिक क्लोराइड के साथ में ग्रीनिश कलर देगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टेस्ट है हमारी टैनिन्स के लिए गोल्ड बिटर्स, गोल्ड बिटर्स स्कीन टेस्ट। इसे ऑक्सीन इंटेस्टाइन टेस्ट भी कहा जाता है, इंटेस्टाइन टेस्ट भी कहा जाता है। इसका जो एजेंट होता है वो फेरस सल्फेट होता है। फेरस सल्फेट यूज करके हम गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट के साथ में टैनिन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है जिलेटिन टेस्ट, जिलेटिन टेस्ट। दोस्तों ये सभी टेस्ट जो है वो टैनिन्स के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। सो रिवीजन करते हैं इसका एक बार फिर से, रिकैपिटुलेट हियर। फेरिक क्लोराइड टेस्ट होता है जिससे हम हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स और कंडेंस्ड टैनिन्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स फेरिक क्लोराइड के साथ में ब्लूइश कलर देगा, और कंडेंस्ड टैनिन्स फेरिक क्लोराइड के साथ में ग्रीनिश कलर देगा। ठीक है, और गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट जो है उसे ऑक्सी इंटेस्टाइन टेस्ट भी कहा जाता है। इसका रिएजेंट जो है वो फेरस सल्फेट होता है, और तीसरी जो टेस्ट है वो जिलेटिन टेस्ट है, जिलेटिन। ठीक है दोस्तों, तो शायद आपको मेरे फार्मा नोट्स जो भी है हमारे आपको पसंद आ रहे होंगे, आशा करता हूँ। और अगर आपको ऐसे वीडियो, मैं लगता है कि आपके लिए मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँ, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो बेल आइकॉन है उसे क्लिक ज़रूर कीजिएगा।
ताकि मेरे जो वीडियो अपलोड होने के बाद आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिले और आपको उसका फ़ायदा हो। सो थैंक यू दोस्तों एंड बेस्ट ऑफ लक।